नमस्कार, किचन आइडिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे ब्रेड की एक बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है ब्रेड मलाई रोल। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए लेंगे 100 ग्राम मावा और इसे थोड़ी देर भून लेंगे। घर पर मावा कैसे बनाना है, इसकी रेसिपी भी मैंने डाल रखी है। मावा की रेसिपी को आप ऊपर आई बटन में जाकर भी चेक कर सकते हैं। मावा ने अपना मॉइस्चर रिलीज करना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच चीनी। चीनी की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पहले से तैयार किया हुआ 2 चम्मच केसर वाला दूध और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। केसर से इस मिठाई में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ बादाम, कटा हुआ काजू और थोड़े से किशमिश। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सभी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब गैस को बंद कर देंगे। इससे ज्यादा हमें पकाना नहीं है, क्योंकि ठंडा होने के बाद यह और गाढ़ा हो जाएगा। रबड़ी तैयार करने के लिए एक पैन में डालेंगे 1/2 लीटर फुल फैट मिल्क, 3 चम्मच दूध पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब तक कि दूध पाउडर पूरी तरह से घुल ना जाए। पाउडर मिल्क अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस को ऑन कर देंगे। अब दूध को थोड़ी देर तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे। 3 मिनट के बाद गैस के फ्लेम को लो पर कर देंगे और इसे धीमी आंच पर पकने देंगे। दूध अब काफी रिड्यूस हो चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे पहले से तैयार किया हुआ केसर वाला दूध। डालेंगे 4 चम्मच चीनी। यहाँ पर चीनी की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। रबड़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस को बंद करके इसे ठंडा कर लेंगे। मिठाई को तैयार करने के लिए 5 व्हाइट ब्रेड लेंगे। अब ब्रेड के चारों किनारों को काट कर अलग कर देंगे। इस मिठाई को तैयार करने के लिए फ्रेश ब्रेड का ही यूज करें। इस तरह से हमने ब्रेड के एजेस को अलग कर दिया है। अब एक बेलन लेकर इसे चारों तरफ से बेल लेंगे। बेलने से ब्रेड थोड़ा फ्लैट होगा और इसे रोल करने में आसानी होगी। ब्रेड को हमने बेलकर तैयार कर लिया है। अब इसके जो ये कटे हुए किनारे हैं, इनको छोटे टुकड़ों में तोड़ लें और मिक्सी में घुमा लें। इससे ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। अब एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और इसे दूध में डिप कर लेंगे। दोनों हाथों से अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे, जिससे कि थोड़ा ये ड्राई हो जाए। इसी तरह से बाकी के सभी शीट तैयार कर लेंगे। अब ब्रेड की एक शीट लेंगे और मावे की जो स्टफिंग हमने तैयार की थी, उसमें इसे रोल बना लेंगे। अब इस स्टफिंग को ब्रेड के ऊपर रख लेंगे और ब्रेड को रोल कर लेंगे। रोल तैयार है। अब एक चाकू से इसके किनारों को हल्का सा कट लगा देंगे। इसी प्रोसेस से बाकी के भी हमने सारे रोल तैयार कर लिए हैं। तैयार किए हुए रोल्स को एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। अब इन रोल्स के ऊपर रबड़ी डाल लेंगे। सर्व करने से पहले रबड़ी को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। रोल्स के ऊपर केसर वाला दूध भी ऐड कर देंगे और कटे हुए ड्राई फ्रूट से इनकी गार्निशिंग करेंगे। सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है ब्रेड मलाई रोल। इस टेस्टी मिठाई को आप भी अपने घर पर जरूर तैयार करें। साथ ही हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।